अब जो आवाज सुन रहे हैं वो है गोडोक्स का वर्सो M2 माइक्रोफोन, और ये मैंने देखिए प्लेस कर लिया है। कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताना, और जो साउंड क्वालिटी वो कैसी है वो भी प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। और इससे पहले जो मैं यूज कर रहा था वो था मूवलिंग मिनी माइक्रोफोन, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली माइक्रोफोन होने वाला है, मतलब है। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो मैं इस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ फ्यूचर फॉरवर्ड लाजपत नगर, तो यहाँ पर आके या आप फोन करके भी पता कर सकते हैं बेस्ट प्राइस। और अगर आप इसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो प्लीज फ्यूचर फॉरवर्ड एक बार आप विजिट करिए, और यहाँ पर आप इन माइक्रोफोन को अपने कैमरे पर लगा के टेस्ट कर सकते हैं रियल टाइम सिचुएशन में। और यहाँ काफी, मतलब जो अगर हमारा सेल फ्लोर की बात करूँ तो काफी क्राउडेड रहता है, तो अगर आप डी नॉइस फंक्शन भी आप उसका यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और एक और जो हमारी ट्राई एंड बाय फैसिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप इन माइक्रोफोन को 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए घर लेके जा सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा माइक्रोफोन आपके जॉनर के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो गाइज अब इसके बाद मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ जो वर्सो का वर्सो एस M2 माइक्रोफोन होने वाला, और ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम दिस माइक्रोफोन, तो जल्दी से बात करते हैं गाइस। जैसे कि मेरे हाथ में है अभी गोडोक्स का वर्सो S M2, और ये है गोडोक्स का वर्सो M2 माइक। तो गाइस दोनों में क्या डिफरेंस है और आपके लिए कौन सा माइक्रोफोन बेस्ट होने वाला, तो हम उसी की बात करेंगे। और जल्दी से इस माइक्रोफोन्स को अनबॉक्स कर लेते हैं, और मैं भी काफी टाइम से इनका वेट कर रहा था कि अब मेरे पास आएगा और मैं आपसे शेयर करूंगा। तो गाइस बिना देरी के अनबॉक्स करते हैं गोडोक्स का वर्सो माइक्रोफोन। मेरा नाम मंजीत नागर, आप देख रहे हो माई ब्लॉग्स, और ये है गोडोक्स के माइक्रोफोन। सबसे पहले बात करते हैं गोडोक्स का वर्सो M2 माइक्रोफोन, जो कि है मतलब आप अपने कैम कोई भी 3.5 mm जैक वाले कैमरे में इसको लगा के आप यूज कर सकते हैं, और माइक फोन हो गया या फिर आपका एप्पल आईफोन हो गया, तो सबके लिए कंपेटिबल होने वाला है। तो जल्दी से मैं इसको अनबॉक्स कर देता हूँ। तो गाइस कुछ इस तरह की पैकिंग में है, और जैसे आप बॉक्स खोलते हैं आपको मिलता है एक केस, प्लास्टिक का काफी स्टडी केस होने वाला है ये, जो कि आपके जो माइक्रोफोन है और मतलब जो टोटल जो सेटअप है रिसीवर और ट्रांसमीटर का जो पैक है उसको ये दो मतलब 2 टाइम्स इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टडी केस। और इस जो केस की बात करें इसमें हमें मिलती है 3500 mAh की बैटरी, एक बड़ी बैटरी अगर हम बात करें अदर माइक्रोफोन के जो चार्जर आते हैं मार्केट में अवेलेबल है, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा बड़ा बैटरी मिलने वाला है। तो गाइज देखिए अब ये है गोडोक्स का वर्सो M2 माइक्रोफोन। तो गाइस कुछ ऐसे दिखने वाला है, दो इसमें आपको ट्रांसमीटर मिल जाते हैं, एक मिल जाता है रिसीवर। और केस की अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, तो काफ़ी अच्छा मतलब हिंज जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। साउंड जो आप सुन रहे हैं तो पता लग रहा होगा काफ़ी स्टडी रहने वाला है। यहाँ पर आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पर आपको बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है। जैसे मैं बंद करूँगा ये देखिए इस टाइम ये 4 डॉट्स ब्लिंक कर रहे हैं, और मीन्स कि ये फुली चार्ज है। और गाइस ये है दो छोटे छोटे हमारे ट्रांसमीटर, काफी लाइट वेट है, और बस थोड़ा सा साइज थोड़ा सा मुझे इसका बड़ा लगा। अगर ये थोड़ा सा छोटा होता तो काफी देखने में ये अच्छा होता। और ये है हमारा रिसीवर जो कि आपके कैमरे के ऊपर या फिर आपके मोबाइल फोन के ऊपर लगने वाला है। ये भी काफी एक मतलब बहुत सारे फंक्शंस के साथ आता है, चाहे आपका वॉल्यूम मतलब डेसिबल आपको गेन जिसको हम बोलते हैं उसको अप डाउन करना हो, या फिर हमें मोनो पे शूट करना हो, स्टूडियो पे शूट करना हो, डेडिकेटेड हम जो हमारा रिसीवर है उसी से ही हम सारे जो फंक्शंस हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। दो छोटे छोटे इतने भी छोटे नहीं है हमारे ट्रांसमीटर गोडोक्स के वर्सो, जो कि काफ़ी मतलब काफ़ी इंतज़ार था इस माइक्रोफोन का मुझे, और हमारे जो यूज़र्स को जो मतलब अपडेट करना चाहते हैं अपने आप को एक और एक अच्छे माइक्रोफोन के साथ वो जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि ये रिकॉर्ड करता है 48 किलो हर्ट्स यानी कि 16 बिट पे,
और अगर इस क्वालिटी की मैं बात करूं तो ये क्वालिटी आप कंपेयर कर सकते हैं जो कि हम एक सीडी पे या डीवीडी पे हम सुनते हैं, तो वो 16 बिट पे रिकॉर्ड करता है, तो उस उतना ही आपको क्रिस्टल साउंड आप इसकी हेल्प से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और चाहे वो स्टूडियो हो गया, सॉरी स्टीरियो हो गया या फिर मोनो हो गया, और दोनों ही फंक्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इसका जो रिसीवर है। और इसमें है ना एक सेफ्टी साउंड ट्रैक सेफ्टी बटन भी आता है, इसकी हेल्प से आप उसको अगर प्रेस करेंगे बटन को तो आप -6 dB पे भी एक अलग से एक साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होता है। तो आप गलती से अगर आपने हाई डेसिबल पे रिकॉर्ड कर दिया है तो फिर आप अपने आप को सेफ एंड सेफ साइड रख सकते हैं उस फंक्शन की हेल्प से। तो गाइस बिना देरी किए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखिए जैसे कि ये माइक्रोफोन है बहुत छोटा है और ये आपको देता है 13 आवर्स का बैटरी बैकअप, मैसिव बैटरी बैकअप, 13 घंटे का इस बहुत होते हैं। है पावर ऑन ऑफ का बटन, ठीक है, और इसको दबा के आप इसको सडनली म्यूट कर सकते हैं अपने माइक्रोफोन को। जैसे कि मैं देखो एक बार प्रेस करूंगा तो ये देखो ये अब रेड ब्लिंक होने लग जाता है, एक क्लिक पे आप इसको म्यूट और से अनम्यूट कर सकते हैं। और ये है माइक्रोफोन जिसकी हेल्प से आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये क्लिप मिल जाता है इसकी हेल्प से आप कहीं भी इसको अपने शर्ट पे टी शर्ट पे हैंग कर सकते हैं। और ये जो पिंस देख रहे हैं ये इसकी हेल्प से आप इसको इसके केस में रख के आप चार्ज कर सकते हैं। और बगल में मिल जाता है आपको रिकॉर्डिंग का, ये देख रहे हैं रिकॉर्डिंग का बटन, और ये है रीसेट का पिन होल। तो गाइज रिकॉर्डिंग की बटन बात करें तो इसमें आप इंटरनल रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये फंक्शन अभी तक गॉडॉक्स से किसी भी माइक्रोफोन में अवेलेबल नहीं था, तो वो लॉन्च किया है इस माइक्रोफोन के साथ। तो इसमें आप 256 GB तक का कार्ड इंस्टॉल करके इसमें आप लगा के आप 400 घंटे की अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर आप इंटरव्यू शूट कर रहे हैं या फिर आप कोई शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री आप शूट कर रहे हैं, तो आप इस माइक की हेल्प से आप डेडिकेटेड वीडियो मतलब ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट मतलब रिसीवर को अपने कैमरे के ऊपर लगा के। अगर आप डायरेक्टली वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये माइक आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होने वाला है। अगर आप इस माइक्रोफोन को कम्प्लीटली रीसेट करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको एक रीसेट का वो मिलने वाला है, एक पिन होल मिलने वाला है, सो दैट आप सिम इजेक्टर टूल से इसको रीसेट कर प्रेस करके रीसेट कर सकते हैं और अपने माइक को उस कंडीशन में पहुँचा सकते हैं जैसे कि अभी मैंने खोला है, अभी जस्ट इसको अनबॉक्स किया है। ब्लू लाइट इसमें ऑन है तो सो दैट मेरा एक जो बी है वो माइक्रोफोन ऑन है, अगर दोनों करेंगे तो दोनों ब्लिंक हो जाएगी। और जैसे कि अगर मैं मेन्यू का बटन दबाता हूँ बगल में से तो देखिए ये ऑप्शंस खुल जाते हैं, और यहाँ से आप रोटेट करके आप इनको चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको जो मिलने वाला है वो वॉल्यूम का है, लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, पेयर डी नॉइस फंक्शन में जाके आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, और अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं सो दैट फिर आप अगर बहुत ज़्यादा नॉइजी इन्वायरमेंट है ना तो आप डी नॉइस फंक्शन को ऑन करके अब जो आपका जो बैकग्राउंड जो नॉइज़ है ना इन्वायरमेंट नॉइज उसको बिल्कुल एकदम अपनी वीडियो से अवॉइड कर सकते हैं वो। और जो आपको जो आउटपुट मिलने वाला है वो गाइस वो फ्लॉलेस आउटपुट होने वाला है, क्योंकि जो माइक्रोफोन है ना जो जो स्टार्टिंग रेंज की अगर मैं बात कर लूँ, चाहे ये हो गया मूवलिंग मिनी हो गया, तो जो इसका भी जो डी नॉइस फंक्शन है ना काफ़ी अमेजिंग, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मैंने इसको आउटडोर बहुत नॉइजी इन्वायरमेंट में शूट किया है, इसको लेके वॉइस रिकॉर्ड किया है, तो इसने बहुत ही जो एक अगर मैं बात करूँ तो एक प्रो लेवल की मुझे वीडियो सुनने को मिली है। तो जो गॉडोक्स के माइक्रोफोन है वो बेसिकली मैंने बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो जो इसका जो डी नॉइस फंक्शन है ऑफ कोर्स वो एक मतलब प्रो लेवल का होने वाला है। मैं इसके जो इंटरनल बैटरी की बात करूँ तो आपको 600 mAh का बैटरी पैक इसमें पैक मिलने वाला है, और ये है हमारा ट्रांसमीटर तो इसमें आपको 400 mAh का बैटरी पैक मिलने वाला है। तो गाइज और अगर मैं कंपेयर साइड बाय साइड अगर ऐसे कंपेयर करूँ तो ऑलमोस्ट आपको सेम साइज का ये मिलने वाला है, काफी मतलब डिजाइन की बात करूँ तो काफी मुझे अच्छा लगा। तो गाइज बिना देरी किए आप देखते हैं इसके एसेसरी पार्ट में आपको क्या मिलने वाला है, तो जल्दी से हम उसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ऐसे आपको एक ब्लैक कलर का कंटेनर मिलेगा, छोटा सा एक पेपर एनवलप, मोटा सा एनवलप,
तो जल्दी से हम इसको भी खोल लेते हैं। और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको मिलेंगे दो बहुत ही सॉफ्ट, गाइस सीरियसली बहुत सॉफ्ट दो डेड कैट आपको मिलने वाली है, और वो इस तरह से लग जाती है। हम जरा आपको बता देते हैं, वो मिलने वाली है जो आपको ये 3.5 mm का जो अगर ये जो दिख रहा है ना आपको जैक, इसके अंदर ये लग जाएगा। और अब आप रेडी हैं बिल्कुल इसको आउटडोर लोकेशन पे शूट करने के लिए, तो मैं इसमें भी लगा देता हूँ इसको एक बार। तो ऐसे करके हमने इसको लगा दिया है, और फिर हमें मिलता है गाइस बहुत सारा सामान आपको मिलने वाला है इसके साथ, और काफी कलरफुल देखने में लग रहा है। तो गाइस ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टाइप ऑफ एक्सेसरीज यू विल गेट विद दिस गोडोक्स वर्सो माइक। तो जल्दी से मैं आपको ना क्लोज लेके आता हूँ अपने कैमरे को, और दिखाता हूँ आपको क्या क्या मिलने वाला है। दूर से तो बहुत छोटा छोटा है, मेरा कैमरा थोड़ा दूर है। तो भाई साहब ये है पहली बात, 3 in 1 मतलब एक USB-A टाइप केबल, और इसके साथ मिलती है आपको USB-C टाइप की 3 केबल। सो दैट अगर इस माइक्रोफोन को आप केस के साथ चार्ज नहीं करना चाहते, रिचार्ज नहीं करना चाहते, तो इंडिविजुअली एक वायर से आप इसको अपने तीनों माइक्रोफोन को सॉरी रिसीवर को और माइक्रोफोन को लगा के, ट्रांसमीटर को लगा के एक साथ एक चार्जर की हेल्प से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो गाइज ये एक काफी अच्छा मुझे सॉल्यूशन लगा। तो TRS to TRRS कनेक्टिंग केबल, इसकी हेल्प से अगर आप एंड्रॉयड फोन में इस केबल माइक्रोफोन सिस्टम को यूज करना चाहते हैं ना, तो आप इस केबल के थ्रू आप लगा सकते हैं। और रेड कलर कैसा लग रहा है गाइस, तो कमेंट करके बताना मुझे। TRS केबल, इसकी हेल्प से आप अपने इस वर्सो माइक्रोफोन को अपने कैमरे के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। और इसको इन्होंने ब्लैक कलर में दिया है सो दैट आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका TRS केबल कौन सा है, TRS केबल कौन सा है, सो दैट आप अगर एक्सीडेंटली आपने कलर वाइज अगर बहुत जल्दी है तो आप देख सकते हैं कि मुझे कैमरे के साथ यूज करना है तो मुझे ब्लैक लेना है, और मुझे अगर अपने फोन के साथ लेना है तो मुझे रेड वाला पिक करना है। तो गाइज आपको इसके साथ मिलने वाला है दो दो लेपल माइक्रोफोन, सो दैट आप इसको अपने वायरलेस माइक्रोफोन को एक लैपल वायरलेस माइक्रोफोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो आपको काफी डिसेंट इसमें लेंथ मिलने वाली है। और गाइस ये थी एक्सेसरीज की बात, तो जल्दी से अब मैं लगाने वाला हूं उसको अपने कैमरे के ऊपर, और देखता हूं कैसा वॉइस रिकॉर्ड होता है। तो गाइस जैसे कि ये दो केबल्स आपको पैक में मिलने वाली है, आपको एडिशनल कोई भी खर्चा नहीं करना। तो ये है हमारे कैमरे के लिए ब्लैक वन, और ये है हमारा रिसीवर। तो इसके हमें यहाँ पर लग जाएगा, और डिनॉइज ऑन है। और अगर मैं लेवल की बात करूँ तो गाइज मैं इसको लेवल 10 पे करता हूँ, तो देखते हैं 10 पे कैसा साउंड करता है। तो गाइस जैसे मैंने आपको दिखाया था ये लैपल माइक्रोफोन और इस वायरलेस माइक्रोफोन को लैपल वायरलेस माइक्रोफोन भी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है, और आपको ये इसमें लगाना है, और ये आपके बेल्ट पे लग जाएगा, और ये जो वायर इंटरनल आपके शर्ट से होते हुए आपके माउथ के पास जाके आप इसको वायरलेस लैपल माइक्रोफोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और गाइस एक और मेन इम्पॉर्टेंट बात, जो आपका जो बॉक्स है ना, इसमें आपको एक पेयर का बटन भी मिलता है, सो दैट आप तीनों जो ट्रांसमीटर हैं दो और एक रिसीवर है उसको आप लगा के इसमें, और ये पेयर का जैसे आप बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स में ही जो आपके जो ये ट्रांसमीटर और रिसीवर है ना, ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइस ये है गोडोक्स का वर्सो एस M2 माइक्रोफोन, और ये कैसे डिफरेंट होने वाला है गोडोक्स का वर्सो एस। तो जल्दी से इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं, और अगर मैं इसके गोडोक्स के इस बॉक्स की बात करूँ तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गोडोक्स, और ये है ट्रू क्वालिटी बाय गोडोक्स।
और ये है निकिता डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से, सो दैट आपको मिलता है 1 साल की वारंटी इस प्रोडक्ट के साथ। और इसको आप जैसे परचेज करते हैं इसको रजिस्टर कीजिए, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप फ्यूचर फॉरवर्ड आइए और यहाँ पर प्रोडक्ट को हमें दीजिए, हम आपको सर्विस सेंटर, हम खुद सब कुछ जो आप बैकएंड प्रोसेस है वो करके देंगे, सो दैट आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ये निकिता डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्टिकर लगवा लेते हैं तो ही आपको 1 साल की वारंटी मिलने वाली है। तो गाइस जल्दी से इसको भी हम अनबॉक्स कर लेते हैं, और ये कुछ ऐसे होने वाला है। तो अगर बात करें जो आप परचेस करेंगे तो आपको भी इसी तरह के बॉक्स में ये मिलने वाला है, गोरडॉक्स का वर्सो एस। तो अभी ये मेरे पास ये दूसरा पैक है। तो गाइज ये है दो रिसीवर, सॉरी दो ट्रांसमीटर, यार मैं हमेशा भूल जाता हूँ यार इस चीज को, दो ट्रांसमीटर और ये है रिसीवर। और इसमें बहुत ही खास बात होने वाली है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर एसेसरीज की बात करूँ गाइज, तो एसेसरीज दोनों में सेम होने वाली है, और इसके अंदर हमें एक एडिशनल फीचर मिलता है। तो अगर मैं ट्रांसमीटर की बात करूँ तो दोनों ही ट्रांसमीटर सेम होने वाले हैं, पर जो एस मॉडल में जो अगर रिसीवर की बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो गाइस जल्दी से मैं आपको क्लोजअप लुक देता हूँ, बताता हूँ इसमें क्या खास होने वाला है। तो गाइस देख रहे हैं, अगर कंपेयर करूँ डिजाइन वगैरह में सब कुछ सेम रहने वाला है, पर खास बात ये है कि इसमें आप सोनी के कैमरेज में डायरेक्टली लगा के, सोनी का जो हॉर्सशू माउंट होता है ना, डायरेक्टली लगा के उसमें आप ऑडियो, एक बहुत अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको किसी वायर की जरूरत नहीं है, 3.5 mm केबल की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैमरे पे लगाइए और शूट कीजिए। और इस कैमरे, इस पर्टिकुलर जो मॉडल में आपको मिलता है कि आप इसमें ना यहाँ से भी अपनी जो रिसीवर के थ्रू भी आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सो दैट अगर आप 3 लोग बैठे हैं, आप कैमरे के पीछे हैं और 2 लोग आपके आगे हैं, तो आप अपनी डेडिकली वॉइस भी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है ये माइक्रोफोन की जो ग्रिल होने वाली है गाइज, और ये है इसका जो मेन्यू फंक्शन बटन, रोटेटिंग डायल और क्लिकेबल डायल, सब कुछ एकदम सिमिलर होने वाला है पर जो हमने इससे पहले जो मॉडल की बात की है। और देखिए ये कैसे लगता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ना ये डेडिकेट जो फिन्स आप दिख रहे हैं ना, ये कॉपर फिन्स, ये कैमरे में डायरेक्टली अटैच हो जाती है, और कैमरे से जो लिंक होता है ना वो बेटर देन 3.5 mm जैक से जो हम अपने कैमरे को लिंक करते हैं माइक्रोफोन से, उससे बेहतर कनेक्टिविटी आपको इस माइक्रोफोन से मिलती है। गाइस सोनी का A7R कैमरा, और देखिए इसमें मैं डायरेक्टली इसको लगा दूंगा तो कैसे कनेक्ट होता है। ये हमने इसको लिया, और ये अब जो ये रिसीवर है, अब जो बॉडी है सोनी कैमरे की, इससे ये लिंक्ड हो गया है, अब हमें किसी वायर की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्टली अपने कंटेंट को इस कैमरे के थ्रू और इस माइक रिसीवर के थ्रू शूट कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और यहाँ से भी मैं अपनी वॉइस, मतलब वॉइस को रिकॉर्ड कर सकता हूँ अपार्ट फ्रॉम दीज टू माइक्रोफोन। तो ये जो गॉडोक्स का वर्सो एस माइक्रोफोन है, ये थोड़ा सा ज़्यादा मुझे अगर मैं यूजर्स की बात करूँ तो ज़्यादा आपको इसमें फंक्शंस मिलने वाले हैं, जो ये 2-3 मैंने आपको डिफरेंस बताया। और बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अमेजिंग प्रोडक्ट के साथ। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से अगर वर्सो एस M2 या फिर वर्सो M2 मॉडल में से आपके लिए कौन सा बेस्ट माइक्रोफोन होने वाला है। तो गाइज मिलते हैं अगली बार, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टाटा, बाय बाय।